दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको 8 पेज की डमी बनाना बताया था, 12 पेज की डमी बनाना बताया था, सेंटर पेनिंग के बारे में, बाइंडिंग के बारे में भी बताया था, और आज के इस वीडियो में मैं आपको 16 पेज की डमी बनाना बता रहा हूँ। तो 16 पेज की डमी के बारे में जानने के लिए मैं आपको अपनी टेबल पर लेके चलता हूँ, वहां पर मैं अपनी डेस्क पर स्टेप बाय स्टेप इस डमी को बनाना बता रहा हूँ। अब हम सीखेंगे 16 पेज का ब्रोशर बनाना, किस तरीके से 16 पेज के ब्रोशर की डमी हम तैयार करेंगे। मैं वापस से ये पेज लेता हूँ, इसको पूरा यूँ फोल्ड करता हूँ, ये सब ले गया। अच्छे से मैं इसको प्रेस कर दूंगा, दबा के प्रेस करके, ताकि पेज अच्छे से फटे। ठीक है, अब मैं इसको पूरा यहाँ से सेंटर से फाड़ता हूँ। ये मैंने इसको फाड़ लिया है, और ये दोनों पेज हैं, इन दोनों पेज को भी मैं ऐसा कर लेता हूँ, बीच में से फोल्ड कर लेता हूँ, और ये मैंने इसको बीच में से फाड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, ये अब इन दोनों पेज को भी मैं एक बार और दबाकर क्रीज कर दूंगा, ताकि जब मैं इनको फाड़ू तो वो अच्छे से क्रीज हो, अच्छे से फटे। अब मैं इन दोनों को एक साथ फाड़ रहा हूँ, ये मैंने फाड़ लिया है, और ये मेरी अभी ये 1 2 3 4 ये 4 शीट तैयार हो गई है। इस 4 में से मैं इन 2 शीट को फिलहाल यहाँ पर साइड में रख देता हूँ, और इन 2 शीट को मैं इसे एक शीट को दो शीट में से एक शीट को लेता हूँ। मैं इसे एक शीट को फोल्ड करा, फिर उसको मैंने वापस से फोल्ड कर लिया, ये एक शीट तैयार हो गई, ये दूसरी शीट तैयार हो गई। अब इसमें हम बीच में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कोई सा भी नंबर नहीं छोड़ेंगे, जहाँ भी फोल्ड है सभी दिन वहाँ पर नंबर लिखेंगे, ये ठीक है। इसको मैंने तैयार कर लिया है, पेज नंबर मैं वापस पे पेज नंबर डालता हूँ, पेज नंबर 1 फोल्डिंग वाला जो है पोजीशन उसको खोलता हूँ, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो आप देखिए, ये पूरा वापस यहाँ पर पेज नंबर बदल गए हैं, 12 पेज था जब यहाँ पर एक के साथ में 12 था, और इसको मैं नीचे रख देता हूँ, और यहाँ पर 4 के साथ में 9 था। तो आप देखिए पूरे के पूरे पेज यहाँ पर पलट गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा पेजेस होंगे उतने ज्यादा पेजेस यहाँ पर पलटते रहेंगे। तो अब हमको ये करना है, अब हम सिंपल जैसे अभी तक करते आए हैं कि किसके पीछे कौन सा सेट छपेगा, ये हम यहाँ पर पहले मार्किंग कर दें। हम यहाँ पर ए लिख दें सेंटर में, ऐसा है ना, यहाँ पर ए के साथ में ए के पीछे कौन सा जॉब छपेगा, बी, यहाँ पर बी लिख देते हैं। ये हमारी 2 प्लेट तैयार हो गई, 2 सेट तैयार हो गए, ये इसके पीछे सी और ये डी, तो ये हमारे 4 सेट तैयार हो गए हैं, ये ए, ये बी,
ये सी और ये डी, चार प्लेट का हमारा जॉब है, चार सेट हमारे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम इसको प्रिंटर को बता देंगे, प्रिंटर को दे देंगे, तो वो समझ जाएगा कि ए के पीछे बी छपेगा, सी के पीछे डी छपेगा। तो इस तरीके से ये हमारी 16 पेज की डमी तैयार हो गई है। और अब हम इसको डमी को प्रिंटर से लेने, जब प्रिंटर इसको छाप देगा तो हम इस डमी को यहाँ पर लगा देंगे और हमारा बाइंडर यहाँ पर उसको सेंटर पिन कर देगा। तो सेंटर पिन करने के बाद में ये हमारा जॉब पूरा 16 पेज की जो हमारा ब्रोशर है ये रेडी हो गया है। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।